ये मैंने नीचे का घेरा बनाने के लिए कपड़ा लिया है जिसकी फुल लेंथ है 45 इंच। अब इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इसमें मैंने दो फ्रिल बनाई हैं जिसमें मैंने ऊपर की फ्रिल बनाने के लिए ये जो कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई है 8 इंच और जो नीचे का है कपड़ा जिसकी थोड़ी सी लंबी फ्रिल बनानी है तो उसका चौड़ाई ली है मैंने 13 इंच। अब हमारा घेरा नीचे का बन चुका है। अब मैं ऊपर की चोली कट कर लेती हूँ जिसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है। इसकी लंबाई 9.5 इंच और चौड़ाई 13.5 इंच रखी है। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा इसके लिए रखा है। यहाँ पर नेक को मैंने 2 इंच के निशान लगाया है। अब इसको डीप करेंगे 4 इंच पर इस तरह से और इसको गोलाई के सेम में निशान लगा लेंगे। अब मैंने शोल्डर लिया है 3 इंच पर। इसको मैं आर्म होल्ड 4.5 इंच पर लूँगी। इसको भी निशान लगाऊंगी और गोल कट कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब मैंने दोनों पीस को अलग कर लिया है। अब आगे के पीस को जो गला बनाया था उसको कट कर लूँगी। अब मैं पीछे के पीस में उसी तरह से 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, फिर 1 इंच पर डीप नेक का निशान लगाऊंगी। इसको भी वैसे ही गोलाई में करते हुए कट कर लूंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा चोली कट हो चुका है। अब मैंने ये चैन लगाने के लिए 6.5 इंच का कट लगाया है। आप चाहें तो चैन लगा सकते हैं और चाहे तो हुक भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको हुक के लिए तैयार करूंगी 6.5 इंच पर। तो ये कटिंग हो चुकी है, अब चलते हैं सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे का घेरा तैयार करूंगी। तो मैंने यहाँ पर बड़े पीस को नीचे और जो छोटा पीस लिया था उसको ऊपर रखते हुए इसकी हम फ्रिल बना लेंगे। ध्यान रहे आपको अपना सीधा और उल्टा देख लेना है। हमारी ये फ्रिल बन चुकी है। अब दोनों फ्रिल को नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, आप देख सकते हैं। अब हमारा नीचे का घेरा बनके रेडी हो गया है। तो अब मैं ऊपर की चोली भी तैयार कर लेती हूँ। चोली में सबसे पहले मैं एक साइड जहाँ पर मैंने हुक के लिए कट किया था वहाँ से एक साइड इस टाइप से पट्टी रखते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, अब ये सिलाई हो गई है। अब हम इसमें एक और सिलाई देंगे इसको पीछे की तरफ पलटते हुए। ये देखिए, हमारा एक साइड का तैयार हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी एक पट्टी लगाएंगे। इस बार हम पट्टी को पीछे की तरफ से लगाएंगे, मतलब कि उल्टी साइड से, और आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। जो पहले लगाई थी उसको मैंने सीधे तरफ से लगाया था और उल्टी तरफ फोल्ड किया था। तो इस बार मैं पट्टी उल्टी साइड से लगाऊंगी। ये देखिए, अब मैं नीचे की साइड में छोटा सा कट लगाऊंगी। ये देखिए,
अब इसको आगे की साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये पीछे का पोर्शन तैयार हो गया है। अब हम आगे और पीछे के दोनों पोर्शन रखते हुए कंधे की सिलाई देंगे दोनों साइड से। कुछ इस तरह से रखेंगे, देखिए। अब गले में लगाने के लिए और ये पट्टी कट कर लेनी है। अब इसको गले में लगा देंगे। अब ये पट्टी एक साइड से लग चुकी है। अब हम इसको पलटते हुए एक और सिलाई देंगे। अब ये पट्टी लगने के बाद इसको एक बार और पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल पतली सी पाइपिंग की शेप में एक और सिलाई देंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए कितनी पतली सी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। अब ये चोली रेडी हो चुकी है। अब दोनों साइड की बेल्ट बना लेते हैं। बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ एक एक सिलाई लगाएंगे दोनों पट्टियों में, इस तरह से। अब इसको सीजर की हेल्प से सीधा कर लेंगे। ये देखो, हमारी दोनों बेल्ट रेडी हो गई हैं। अब फ्रिल बना लेते हैं। फ्रिल के लिए मैंने दो अलग अलग पट्टी ली है, जिसको मैंने 2.5 इंच चौड़ा लिया है। अब इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों में। फिर इन दोनों की फ्रिल बना लेंगे, जिसको हम आस्तीनों में आस्तीनों की जगह लगाएंगे। ये देखिए, हमारी फ्रिल भी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको मुड्डे की जगह पर रखकर सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। ये देखो, दोनों साइड ज्वाइंट हो चुका है। अब इसको एक ऊपर से रखते हुए एक और सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। ये देखो, अब मैंने एक लेस ली है, जिसको नीचे की तरफ आगे के पोर्शन में करीब 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इसको दोनों साइड बेल्ट रख के, अंदर की साइड बेल्ट रखेंगे और ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, चोली को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, चोली बनके रेडी हो गई है। अब नीचे के घेरे को, दोनों फ्रिल को अलग अलग सिलाई लगाएंगे। पहले ऊपर की फ्रिल को सिलाई लगाएंगे, जो छोटी रखी थी ऊपर की साइड। अब नीचे की साइड जो बड़ी रखी थी उसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। हमारा नीचे का घेरा भी रेडी हो गया है। अब इस घेरे को उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, और ये जो चोली है इसको इस सीधा ही करते हुए इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से। चोली को सीधा ही रखना है। अब इसको इस जॉइंट से मिलाते हुए नाप लेंगे कि हमारा नाप सही बैठ रहा है या नहीं, फिर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये
ये देखिए हमारा सही बैठ रहा है और मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये फ्रॉक रेडी हो गई है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।